आपको लगता है कि दैट अगर थोड़ी सी लोगों की अगर क्यूरियोसिटी होती है तो वो एक तरीके से अच्छा ही है। यूजुअली ऐसा होता है क्योंकि वो बोलते हैं ना कि सिंगर कभी ऐसे कोई गाने गाते हैं जब उनका पर्सनली कभी कोई दिल टूटा हो या ऐसा कुछ हो, उससे इंस्पायर होते हैं और उससे उनको मोटिवेशन होता है कि अब मैं बताता हूँ या अब मैं बताती हूँ, अब मैं गाना निकालूंगी, उस पर गाना लिखूंगी। एक लेवल हेडेड रखना अपने को, अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना, टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड बी लाइक अ नॉर्मल सॉर्ट ऑफ गर्ल इन अर्ली 20s, ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आप कैसे मैनेज करती हैं? अगर मैं कभी बाहर भी जाती हूँ, there are times when I'm not putting makeup, when I'm not done my hair, when I'm not wearing heels, I'm in my slippers, I'm wearing a tracksuit, I'm not in a very good state also to go out, but I still go out because that is what I like. कोई खास वजह कि that you started off with a पंजाबी फिल्म? जो पंजाबी फिल्म मैंने कर ली वो हमें पंजाब से पहला ऑफर था। That was the first offer that we received from पंजाब। और डैडी ने जब उसकी स्टोरी सुनी, उन्होंने मुझे बताया, उनको काफी अच्छी लगी। इट वाज अ फैमिली एंटरटेनर। आपको ऐसा लगता है कि जो फिल्म इंडस्ट्री के जो बच्चे होते हैं तो उनको थोड़ा सा एक तरीके का एक एटलीस्ट एडवांटेज होता है गाइडेंस के लेवल पे कि कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट में भी शायद नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल लगता है, क्योंकि देखिए जब वो उनका पूरा बचपना, उनको जब वो पूरे बड़े हो रहे होते हैं, उनके घर का, उनकी फैमिली का पूरा माहौल ही उनको वैसे ही मिलता है। Hi guys, this is Jannat Zubair. You are watching Connect FM Canada with Faridoon. Stay connected. Jannat and Zubair साहब, welcome on Connect FM Canada. कैसे हैं आप लोग? Hello brother, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। Hi, thank you so much for having us. All right, so Jannat, मेरा पहला सवाल आपसे मेरा होगा कि यूजुअली लोग म्यूजिक वीडियोस रिलीज करते हैं, आपने अपने गाने का रील रिलीज किया है एंड दैट इज ऑलरेडी अ ब्लॉकबस्टर। या हमने ऑडियो रिलीज किया है अपने गाने का पहले, और वो इसलिए किया है बिकॉज हम चाह तो पहले रहे थे कि हम वीडियो ही रिलीज करेंगे, लेकिन क्योंकि गाना थोड़ा हटके हो और उसका जो वीडियो का फील हो वो सब कुछ इतना अलग हो ताकि जो भी हमने पहले किया है उससे अलग लगे, उस चक्कर में हमें इतना डिले हो गया कि जो मैंने सॉन्ग रिकॉर्ड भी किया था वो लास्ट ईयर मार्च में किया था। सो ऑलमोस्ट सॉन्ग रिकॉर्ड करके भी हमें 1 साल हो गया था। तो हम चाह नहीं रहे थे कि और वेट कराएं लोगों को ये गाना सुनाने के लिए, तो इसलिए हम ये आइडिया से आए कि पहले हम अपना ऑडियो रिलीज करते हैं, फर्स्ट लुक निकालते हैं, एंड इफ द सॉन्ग गेट्स लव और लोगों को पसंद आता है देन वी विल डेफिनेटली शूट अ वीडियो एंड यू नो गिव देम अ नाइस ब्यूटीफुल गुड वीडियो आल्सो। Yeah, but you know, I think this is a new age way of promoting a song. मुझे पता नहीं कि इससे पहले किसी ने किया होगा कि that you know audio आता है and you just coming up with a reel. You're having 45 million followers on Instagram, so I think that's a fantastic idea. Yes, I think that's really nice क्योंकि obviously you also understand कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों को कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, और यू नो, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा ही एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, कितने सारे लोगों की मेहनत लगती है, और हम यही चाह रहे थे कि पहले हमें गाने का रिस्पॉन्स भी पता चल जाए कि रिस्पॉन्स भी कैसा आ रहा है, लोगों को कैसा लग रहा है। जो हमने फर्स्ट अपना लुक ही निकाला था वो लुक भी अगर आपने देखा होगा तो काफी अलग लुक था। आई एम वेयरिंग अ ग्रीन wig and it is a very pop feel, international feel in the thing. तो वो डालने के पहले भी हमें थोड़ा नर्वसनेस था कि अब अगर आप कुछ हटके करते हो तो वो चीज की एक्साइटमेंट तो होती है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, हटके कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नर्वसनेस भी होती है कि लोग उसको कैसे लेंगे, विल दे टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, विल दे लाइक इट, विल दे नॉट, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, इतने लोग वो चीज देखेंगे, तो सबके अपने अपने ओपिनियंस होंगे, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। बट टचवुड हमें बहुत पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं। मैं कमेंट्स अभी आप ज्वाइन करने के पहले कमेंट्स भी पढ़ रही थी, तो लोगों को काफी पसंद आ रहा है काफी, और लोग वेट कर रहे हैं अब वीडियो का, तो आई थिंक अब वीडियो हमें निकालना ही पड़ेगा जल्दी शूट करके। नो, आई थिंक इट्स अ कैची सॉन्ग, इट्स अ यूथफुल सॉन्ग। और ज़ुबैर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आई थिंक मेरे ख्याल से ये आपका एक की राय थी कि दैट इसको हम वैलेंटाइंस डे पे रिलीज़ ना करके हम कुछ थोड़ा सा बाद में करते हैं, बिकॉज वैलेंटाइंस डे पे ऑलरेडी इतना क्लटर हो जाता है, सो लोगों के दिल टूटेंगे, तो अच्छा है कि दैट दिल टूटने वाला गाना जो है वो वैलेंटाइंस डे के बाद में आए। वैलेंटाइंस में निकालने का एक वजह, ना निकालने की एक वजह ये भी थी कि उस दौरान काफ़ी गाने आ रहे थे, तो मैं ये भी नहीं चाह रहा था कि मैंने जिस गाने के लिए इतनी मेहनत करी है, एक नया एक नया जॉनर में जन्नत से गाना गवाया और जन्नत एक नए स्टाइल में नए तरीके से एक उसको प्रेजेंट करना चाहा, तो वो ऐसा ना हो कि जो बहुत सारे गाने आ रहे हो उस बीच में जन्नत आए और निकल जाए और लोग उसको उतना नोटिस ना करें या उस गाने को नोटिस ना करें। तो मैं ज्यादा एकदम से जो इतने सारे, क्योंकि बहुत लोगों के प्लान्स होते हैं कुछ कुछ इवेंट्स के ऊपर गाने रिलीज करना हो, तो 14 फ़रवरी एक ऐसा दिन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफी लोग उस दिन गाने रिलीज करते हैं। तो हमने थोड़ा सा रुक के दिया कि और 4-5 दिन रुक जाते हैं और उसके बाद हम ये गाना निकालते हैं। तो इस ये भी एक वजह रही उस दिन 14 फ़रवरी को ना निकालने की। ऐसा नहीं है किसी का दिल टूटा हो और इसकी वजह से निकाल रहे हो, ये गाना तो ऑलरेडी हाँ कुछ वैसा ही है, बट इसकी वो वजह नहीं थी। ओके जन्नत, आप यूर एक्सट्रीमली यंग गर्ल एंड लेकिन जब मैं आपके कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा था तो आपसे भी पूछा जा रहा था कि दैट ये आपकी क्या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ है या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो जब लोग अगर स्पेकुलेट करेंगे कि दैट कि दैट ऐसे एक दिल टूटने वाला गाना है तो किसके लिए लिखा गया है, आपने लिखा नहीं है। आई थिंक द कंपोजर हैज़ रिटन द सॉन्ग एज वेल फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो कैसे आपको लगता है कि दैट अगर थोड़ी सी लोगों की अगर क्यूरियोसिटी होती है तो वो एक तरीके से अच्छा ही है? हाँ, मतलब एनीथिंग दैट हेल्प्स द सॉन्ग टू ग्रो एंड यूजुअली ऐसा होता है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि सिंगर कभी ऐसे कोई गाने गाते हैं जब उनका पर्सनली कभी कोई दिल टूटा हो या ऐसा कुछ हो, उससे इंस्पायर होते हैं और उससे उनको मोटिवेशन होता है कि अब मैं बताता हूँ, अब मैं बताती हूँ, अब मैं गाना निकालूंगी, उस पर गाना लिखूंगी। बट ऑब्वियसली मेरे केस में ऐसा नहीं है, बिकॉज गाना मैंने लिखा भी नहीं है, गाना तो मैंने गाया है। बट गाना क्योंकि इतना अच्छा है और इतना रिलेटेबल है, वो गाने से रिलेट करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इट्स वेरी अंडरस्टूड कि अगर कोई किसी का ऐसा दिल टूटा है तो उसका एटीट्यूड अगर वो है कि ठीक है तुम्हें जाना है तुम जाओ, मुझे नया मिल जाएगा। आई थिंक दैट इज अ वेरी कूल एटीट्यूड। आई थिंक एवरीवन शुड हैव दैट, बिकॉज यू नो गेटिंग डिप्रेस्ड ओवर अ ब्रेकअप और गेटिंग you know bad thoughts या फिर you know getting cranky and thinking कि oh now my life is shattered, now what do I don't have anything left in the world, अब क्या करूंगी ये वो। So I think it is a very cool way of not crying over it and just being like okay whatever happened, you will still miss me but I will get a new one, you know I'm not gonna cry over a guy. So I think that is the thought behind it is not related to me at all. All right, and जिस तरीके से आपने एटलीस्ट अगर मैं रील की बात करूं, बिकॉज ये आई थिंक डेफिनेटली एक मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे तो एक तरीके से शायद हो सकता है आपका इंटेंशन नहीं हो, बट आई थॉट इट्स अ वेरी कूल वे ऑफ कमिंग अप विद अ सॉन्ग, बिकॉज सो यू आर इट्स नॉट मेरली आंसू बहाने वाला गाना। एज फार एज अगर द रील की बात करें तो उसमें यू आर ग्रूविंग टू इट, यू आर हैविंग लाइक अ नाइस सॉर्ट ऑफ डांस मूव टू इट, विच इज़ आई थिंक अ इंटरेस्टिंग वे ऑफ attempting and addressing a breakup song as well. So this entire persona, in terms of the way you have been styled and the way the entire feel is, how do you look at the response that is coming your way? I would say it's like a trend-setting sort of approach towards releasing a song in a way. Thank you for saying that, and I think the response that we've been getting is damn positive. People are loving the song. They love how relatable the song is, and they love the fact that unlike many other breakup songs, it's not a song where a girl the girl is crying or is craving for attention or is being like why did you do that? Why did you do that? Why me? The song has zero vibe like that. ऐसा कुछ भी नहीं है. So people are liking the new approach towards it, that it's okay, it's cool, and the girl is in her own swag that okay, you go, I'm gonna get a new one. Plus the look, हमने जो poster निकाला उसमें हमने 2 looks out किए थे और वो दोनों ही look को बहुत ज्यादा appreciate कर रहे हैं लोग और उन्हें बहुत पसंद आ रहा है। और वो हर जो हमने look निकाला वो दोनों look पर भी हमने काफी काम किया है, proper detailing करी है, क्योंकि वैसे पहले कभी भी मेरा कोई look नहीं आया है, तो हम चाहते थे कि एकदम हटके आए, एकदम जो भी हम इसमें करें वो कुछ अलग ही हो और इंटरनेशनल फील दे, पॉप का फील दे, ना कि कुछ ऑर्डिनरी लगे या जो मैं पहले कर चुकी हूँ वैसा लगे। तो जो रिस्पॉन्स है वो तो टचवुड अभी तक के बहुत अच्छा आया है और काफी पॉजिटिव आया है। ऑलराइट जुबैर साहब, मैंने जो पिछले इंटरव्यूज मैंने जन्नत के साथ में किए हैं तो उसमें उन्होंने हमेशा कहीं ना कहीं आपका जिक्र रहता है उसके अंदर, और जो एक आई थिंक उनके सामने एक बेंचमार्क है कि कैसा लड़का जो है वो अगर उनको अप्रोच करे तो उसके यार्डस्टिक जो है वो ये होना चाहिए कि ही शुड बी समवेयर नियर माई फादर, यू नो, इन टर्म्स ऑफ एज अ पर्सनैलिटी एंड एज अ ह्यूमन बीइंग। अच्छी वैल्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है आपके नज़र में? हाँ, अच्छी वैल्यूज़ तो ऑफकोर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर एक की लाइफ में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो होना चाहिए, और आई गेस एवरीबडी लुक फॉरवर्ड फॉर इट। राइट। जन्नत, यू नो, जिस तरीके की कामयाबी आप एक्सपीरियंस कर रही हैं इतनी कम उम्र में, 45 मिलियन आपके फॉलोअर्स आपके इंस्टाग्राम पे हैं, उसके अलावा जिस तरीके से लोग आपके आई थिंक हर एक्शन को फॉलो करते हैं, बड़े से बड़े फिल्म के गाने जो हैं उसके लिए आपसे कोलैबोरेशंस आपके साथ में किए जाते हैं। सो एक लेवल हेडेड रखना अपने को, अपनी लाइफ को इंजॉय भी करना, टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड बी लाइक अ नॉर्मल सॉर्ट ऑफ गर्ल इन अर्ली 20s, ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आप कैसे मैनेज करती हैं? आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आई थिंक टू मैनेज दिस, आई थिंक द ओनली वे टू मैनेज दिस इज नॉट मैनेज इट, यू नो, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्डिनरी लड़की होगी या कोई भी अगर 20-year-old लड़की है या कोई टीनेजर है या कोई यंगस्टर है, आई एम श्योर दे डोंट मैनेज इट, दे जस्ट गो विद द फ्लो, दे जस्ट लिव देयर लाइफ हाउ दे वांट टू लिव इट। यू नो, व्हेन आई स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा मुझे मैनेज करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, आई थिंक दैट विल बी द टाइम where I'll spoil it, you know, in the managing term. So that's what I do. I just don't manage anything. जैसे लाइफ चलती है, जो रूटीन होता है, जो करना होता है वो करती हूँ, जहाँ जाना होता है वहां हम जाते हैं, you know, we have our good family time, जहाँ भी घूमना होता है हम साथ जाके घूमते हैं, we do trips, we work. So I think ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ मुझे लगता है कि अच्छा ये हो गया, अब मुझे ऐसे मैनेज करना है या मुझे अब एक ऑर्डिनरी लड़की की जैसा भी वो करना है। I think there are my times जब मुझे, अगर मैं कभी बाहर भी जाती हूँ, there are times when I'm not putting makeup, when I'm not done my hair, when I'm not wearing heels, I'm in my slippers, I'm wearing a tracksuit, I'm not in a very good state also to go out, but I still go out because that is what I like. You know, sometimes I want to be so ordinary, sometimes I want to be so simple that I really don't care that, you know, what if somebody looks at me and will be like, अच्छा सामने से ही ऐसी क्यों दिख रही है और जब मेकअप और हेयर करती है तो ऐसी दिखती है। You know, so I never have that thought in my head also कि नहीं मैं ऐसे बाहर नहीं निकल सकती, लोग क्या देखेंगे, लोग क्या बोलेंगे, I should always be dressed up nicely, I should always be in my hair and makeup. No, that has never been my thought. I dress up, I get ready when I want to get ready, and there are times where I feel like I should just go out like that and I do that. So, you know, it's always good when you listen to your heart, do what you want. राइट। सो अब जैसे जिस तरीके का आपकी पॉपुलैरिटी है, तो बहुत से आई थिंक जो हीरोइंस होती हैं उनसे भी ज़्यादा एक तरीके से आपकी पॉपुलैरिटी है। आपने टेलीविज़न में आपने काम किया, म्यूज़िक वीडियोस आपके रहे हैं, आपने फिल्म्स में, आपने पंजाबी फिल्म से आपने स्टार्ट किया जी। कोई ख़ास वजह कि दैट यू स्टार्टेड ऑफ विद अ पंजाबी फिल्म? सी, खास वजह बिकॉज देखिए ऑल्सो बॉलीवुड का लें या फिर पंजाबी का लें, आई हैव रिसीव्ड काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स, काफ़ी सारे नरेशन हमने भी लिए हैं, बट क्या होता है इफ़ यू आर टू डू अ फिल्म इट हैज़ टू बी, यू नो, इट हैज़ टू हैव एवरीथिंग, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ डूइंग अ फिल्म वी वुड नेवर डू अ फिल्म। डैडी ने खुद इतने सारे नरेशन लिए, इतने सारे स्क्रिप्ट सुने, एंड टू बी ऑनेस्ट जो पंजाबी फिल्म मैंने कर ली वो हमें पंजाब से पहला ऑफर था, दैट वाज द फर्स्ट ऑफर दैट वी रिसीव फ्रॉम पंजाब, और डैडी ने जब उसकी स्टोरी सुनी, उन्होंने मुझे बताया, उनको काफी अच्छी लगी। इट वाज अ फैमिली एंटरटेनर फॉर मी एंड फॉर माय डैड। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम जो फिल्म करें अ होल फैमिली कैन गो इन अ थिएटर एंड वॉच द फिल्म, यू नो, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो हमारा थॉट हमेशा यही था कि अगर कोई 10 साल का बच्चा है और या कोई ग्रैंड पेरेंट है, वो सब साथ में जाकर फिल्म देख सकें, यू नो। तो वो स्क्रिप्ट सुन के हमें इंस्टेंटली लगा कि हाँ यार, ये तो बिल्कुल, मतलब इसमें मसाला भी है, इसमें एंटरटेनमेंट भी है, इसमें कॉमेडी भी है, इसकी स्टोरी भी अच्छी है और हर कोई जाके इसे देख सकता है। एंड पंजाबी इज अ वेरी फन लविंग लैंग्वेज, सो वी वर लाइक व्हाई नॉट, लेट्स स्टार्ट विद दिस, एंड वी डिड स्टार्ट विद दैट। एंड ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट बॉलीवुड, वी आर वेरी हैप्पी टू वेट, वी विल हैप्पीली वेट अंटिल एंड अनलेस वी गेट समथिंग दैट वी रियली वांट टू डू। So we will not just do a film for the sake of doing the film कि अच्छा चलो अब ये एज हो गई है, अभी बॉलीवुड में भी करना चाहिए तो कर लेते हैं। So that has never been our motive, you know. We are happily doing our different genre का काम and we'll patiently wait जब तक कि हमें नहीं लगता यार this is what we were waiting for इतने time तक के. So we'll wait for that, for the right moment and the right script to start with Bollywood. क्या आपको ऐसा लगता है कि जो फिल्म इंडस्ट्री के जो बच्चे होते हैं तो उनको थोड़ा सा एक तरीके का एक एटलीस्ट एडवांटेज होता है गाइडेंस के लेवल पे कि कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट में भी शायद नहीं करना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि वो भी कामयाबी उनको मिले, लेकिन ये है कि एटलीस्ट उनको एक इनिशियल जो एक पुश होता है उसमें कहीं ना कहीं एक मदद मिल जाती है. क्या आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल लगता है, क्योंकि देखिए जब वो उनका पूरा बचपना, उनको जब वो पूरे बड़े हो रहे होते हैं, उनके घर का, उनकी फैमिली का पूरा माहौल ही उनको वैसे ही मिलता है. डायरेक्टर्स आ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, सिंगर्स आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, नरेशन हो रहा है, तो बहुत सारी स्क्रिप्ट वो खुद भी सुन रहे होते हैं. प्लस उनके जो मम्मी डैडी हैं वो सब उनको क्योंकि अगर उस इंडस्ट्री में लाना होता तो उनको बैठाते भी होंगे या उनको बताते होंगे, सिखलाते होंगे, तो उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल तो है. वो पूरे बचपन से एक ही माहौल में बड़े हो रहे हैं, वो सुबह से शाम तक वही चीजें देख रहे हैं. हमारा तो ऐसा कोई बैकग्राउंड था नहीं, तो हमने तो जो भी बनाया है खुद से ही बनाया है यहाँ के ऊपर. फिर भी ऑफ कोर्स अच्छी बात है कि और सारे बच्चे, और क्योंकि हमारे साथ और भी लोग हैं जो कि इंडस्ट्री के बाहर के हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो भी आगे चल के बहुत अच्छा कर लेंगे. और हमें भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम खुद से अपनी समझ से जितना कर पा रहे हैं हमारे फैंस और आप लोगों का सबके साथ के साथ, तो हम भी इंशाल्लाह कुछ और बहुत अच्छा कर लेंगे. जन्नत अभी जितनी सारी बातें बोल रही है, वो एक बहुत समझदारी से वो सारी बातें, वो सारे थॉट्स जो उसने बचपन से अभी तक के सीखे हैं, वो सब अपना उसकी आपको लैंग्वेज में, उसकी बातों में सब समझ में दिखाई देगा कि वो कोई भी फिल्म नहीं पिक कर लेगी या कुछ भी उसको हम नहीं करा देंगे कि कुछ भी कर ले जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि नाउ लेट्स डू द फिल्म अनटिल अनलेस वी डोंट गेट द गुड स्क्रिप्ट. के फैमिली के साथ जाके देखने वाले हों, लोग फ्रीली देख सके, साथ में बैठे हों, तो कोई हेजिटेट ना करे एक दूसरे के साथ, तो इस तरीके की फिल्में होनी चाहिए. तो और बच्चों को भी, जैसे कि फैमिली के, आपने जो फिल्म के और बच्चों को बात करी के उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट मिल जाता होगा या वो सीखते होंगे, ऑफकोर्स सीखते होंगे, बट अच्छा है हम लोग तो खुद से जो मेहनत करके आ रहे हैं वो आ रहे हैं. और डेफिनेटली इफ विल गेट द गुड स्क्रिप्ट विल डू इट इंशाल्लाह, जरूर.